हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, टीम इंडिया बांग्लादेश के साथ 22 नवंबर को एक ऐतिहासिक एक हिस्टोरिकल टेस्ट मैच खेलने वाली है। दरअसल दोस्तों यह टेस्ट मैच डे नाइट होगा और यह इंडिया के टेस्ट इतिहास का पहला डे नाइट टेस्ट मैच होने वाला है। लेकिन दोस्तों अभी बहुत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है कि यह टेस्ट मैच कितने बजे से शुरू होगा, टी ब्रेक कब होगा, डिनर ब्रेक कब होगा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले कोई डे नाइट टेस्ट मैच इंडिया खेला नहीं है, तो इसके वजह से किसी भी फैंस को कोई आइडिया नहीं है। तो गाइज अगर आप भी जानना चाहते हो इस मैच के टाइमिंग के बारे में तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और क्रिकेट से जुड़ी न्यूज पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच डे नाइट टेस्ट मैच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। और गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मैच के स्टार्टिंग टाइमिंग के बारे में। तो दोस्तों यह टेस्ट मैच दोपहर के 1 बजे से शुरू होगा। तो गाइस टाइम आप नोट कर लीजिए, यह हिस्टोरिकल टेस्ट मैच दोपहर 1 बजे से शुरू होने वाला है और उसके बाद गाइस टी ब्रेक होने वाला है। हालांकि दोस्तों नॉर्मली हम टेस्ट मैच में देखते हैं कि पहले लंच ब्रेक होता है उसके बाद टी ब्रेक होता है, लेकिन दोस्तों इस मैच में ऐसा नहीं होगा और डे नाइट टेस्ट मैच में पहले टी ब्रेक होता है उसके बाद डिनर ब्रेक होता है। तो गाइस टी ब्रेक 3 बजे होने वाला है और इसका टाइमिंग 20 मिनट रहेगा और गाइस 3:20 पर एक बार फिर से खेल चालू हो जाएगा और उसके बाद गाइस डिनर ब्रेक होगा और डिनर ब्रेक शाम को 5:20 पर होगा। और गाइस डिनर ब्रेक की टाइमिंग जो रहने वाली है वो 40 मिनट रहेगी और गाइस 5:20 से 6 बजे तक डिनर ब्रेक रहेगा और 6 बजे से एक बार फिर से खेल शुरू हो जाएगा जो कि आखिरी सेशन होगा। और गाइस उसके बाद आखिरी सेशन 2 घंटे चलेगा और रात को 8 बजे टेस्ट मैच का स्टंप हो जाएगा, मतलब डे की समाप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप क्रिकेट से जुड़ी न्यूज़ देखना चाहते हो, क्रिकेट के आप फ़ैन हो, तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूँ।